संजीव साहब हम लोग अभी बोले थे कि 10 मिनट में मैं विधायक जी को रिहा करता हूं। आज जिला पुलिस प्रशासन ने यहाँ पे कैद बंद करके रखी है, नजर बंद करके रखी है। वो तो जदयू के विधायक है और इस तरीके से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, आरजेडी के कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं। हम पूछते हैं व्यक्तिगत रिश्ता किसी से होता है कि नहीं, वो जदयू के विधायक को क्यों पकड़ के रखे हुए, यही तो इनसे हम पूछना चाह रहे हैं। कहना अनुसार कि जदयू के विधायक है तो जदयू का सरकार है तो जदयू क्यों डर गई अपने विधायक से? रिहा करो, विधायक को रिहा करना होगा, करना होगा, करना होगा। सरकार जुलम के चक्कर में और जदयू अगर उनको पसंद नहीं है तो क्या कीजिएगा, उनको बंद कर दीजिएगा? न सवाल पार्टी का नहीं है, सवाल है आज राइट टू वोट का है। आज वोट होना है पोलोर टेस्ट पर, कौन विधायक है, कौन पार्टी है, किसका है, इसका मतलब नहीं है। आज संविधान के आलोक में राइट टू वोट को बहाल होना है, वहाँ जहाँ जनता का सबसे बड़ा सदन है उसको जबरदस्ती रोका जा रहा है, ये लोकतंत्र की हत्या है। सवाल इसका नहीं है कि विधायक किसका है, सवाल है कि राइट टू वोट बहाल कैसे हो, इसका सवाल है, इसको रोका जा रहा है। विधायक तो किसी पार्टी का हो लेकिन विधानसभा जाना था, स्वतंत्र होता है, आखिर क्यों रोका गया है? इसका मतलब है कि आप अपने हिसाब से वोट को चलाना चाहते हैं, वोट को डलवाना चाहते हैं। ये तो आप लोकतंत्र के चुना हुआ विधायक, आपके कहना अनुसार कि जदयू का विधायक है तो जदयू का सरकार है तो जदयू क्यों डर गई अपने विधायक से? ये तो स्पष्ट है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि मैं जैसे चाहूं। देखिए सीधा सीधी लोकतंत्र की है तो सभी लोग जानते हैं, और नीतीश कुमार प्रशासन के कंधे पर बंदूक चलाकर बाखूबी जानते हैं चलाना, और शुरू से ही चलाते आ रहे हैं। ये बौखलाहट दर्शाता है कि आज फ्लोर टेस्ट में फेल होने वाले हैं, उसी का एक ये कड़ी है कि जहाँ के तहे विधायक को रोका जा रहा है प्रशासन के द्वारा। बस इस बार 2024 में नीतीश कुमार को पता चल जाएगा और 2024 में ही जदयू समाप्त हो जाएगी। जो स्थिति है दल बदलू पलटू राम का जो स्थिति बना हुआ है पूरे बिहार में, 2024 में निश्चित तौर पर ये नीतीश कुमार की पार्टी जदयू समाप्त हो जाएगी। और इस विधायक जो यहाँ पे बंद की हुई है कहीं ना कहीं, और आज जिस आज जानकारी के मुताबिक पता चला है वोटिंग फ्लोर टेस्ट आज होना है और यहाँ के SP साहब उनको निर्देश मिला हुआ है वहाँ पटना से माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कि आप इसको किसी भी तरह से नवादा में रोक के रखे ताकि फ्लोर टेस्ट के पहले नहीं पहुँच पाए। बिना आरोप प्रतिरोध जबरदस्ती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सरकार है वही प्रशासन है वही सब कानून। आप लोग बड़े नेता हैं, बड़े लोगों को नीतीश का आज आपको आप अपने आप को तो देख सकते हैं मौजूद है, जिस तरीके से प्रशासन अपनी ताकत को यूज कर रही है। बंदूक है हम लोग को खाली हाथ, उनके पास पावर है, जबरदस्ती भी करते, अगर हम लोग न्याय भी चाहेंगे तो FIR करके जेल भेज देंगे। आप देख ही रहे क्या हो रहा है नवादा में, नवादा क्या पूरे बिहार में क्या हो रहा है सभी लोग जान रहे हैं। सारे निर्दोष लोग जेल जा रहे हैं और जो उनके साथ हैं वो धोए हैं, कुछ नहीं होता। जिस खेला के बारे में तेजस्वी यादव बोले थे आज निश्चित तौर पर खेला होगा, और बैठ के थोड़ी देर के बाद 2-4 घंटा के बाद देखिएगा कि नीतीश कुमार के आजू बाजू में लोग नहीं दिखेंगे और बैठ कर रोएंगे, अब पूछने वाला कोई नहीं मिलेगा।